इंडिया का 200 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम अब बदलने वाला है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक 10+2 फॉर्मेट में फॉलो किया जाता था, पर अभी वो चेंज होकर 5+3+3+4 में फॉलो किया जाएगा। मतलब नर्सरी से क्लास 2 तक 5 साल का फाउंडेशन स्टेज होगा। इसके बाद 3rd स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज होगा। फिर 6th से लेकर 8th तक 3 साल का मिडिल स्टेज होगा। और लास्ट में 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक 4 साल का सेकेंडरी स्टेज होगा। और अब कॉमर्स, साइंस और आर्ट जैसे स्ट्रीम्स को हटा के डायरेक्ट 9th स्टैंडर्ड से एक चॉइस बेस्ड सिस्टम को फॉलो किया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स 8 करिकुलर एरियाज के 16 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। और कौन सा सब्जेक्ट चूज करने इसका पूरा राइट स्टूडेंट और पेरेंट के हाथ में होने वाला है। स्टूडेंट अपनी स्टडीज के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाएगा। वैसे आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और क्या ऐड करना चाहोगे, डू टेल इन कमेंट्स।